गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझने वाले हैं ये डेटा कंप्रेशन होता है क्या। जैसे कि मैं अगर मान लो अगर मैं किसी फाइल को मान लो 30 MB का है और उस फाइल को मैं मेल करता हूँ, तो भाई मेल वालों ने ये तय कर रखा है कि ईमेल से आप ज़्यादा से ज़्यादा 24 MB तक के फाइल को ही आप सेंड कर सकते हैं। तो भाई आपके पास तरीका क्या होगा, भाई 30 MB का फाइल है उसको भेजेंगे कैसे आप? तो हमारे पास इसका आंसर होगा डेटा कंप्रेशन। तो भाई उस फाइल को हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। तो कई प्रकार के कंप्रेशन फाइल्स आते हैं, सॉरी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, विनजिप, विनरार, तो इनसे हम लोग कंप्रेस और डीकंप्रेस करते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। बाकी आज हम लोग देखने वाले हैं डेटा कंप्रेशन होता क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा कंप्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटा बिट्स को कम कर दिया जाता है, जिससे कि डेटा का आकार कम हो जाता है तथा इससे स्टोरेज क्षमता तथा फाइल ट्रांसफर की गति बढ़ जाती है। तो भाई एक ऐसी प्रक्रिया है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द डेटा बिट्स आर रिड्यूस्ड। ड्यू टू दिस द साइज ऑफ द फाइल गेट्स रिड्यूस्ड एंड वी कैन ईजिली स्टोर दैट फाइल। वाई? बिकॉज द साइज ऑफ फाइल गेट्स रिड्यूस्ड, सो एंड ड्यू टू दिस द फाइल ट्रांसफर मैकेनिज्म ऑल्सो गेट इंक्रीज्ड। तो भाई फाइल के साइज़ को, डेटा बिट्स को रिड्यूस कर दिया जाता है जिससे उसकी साइज़ कम हो जाती है, ताकि हम लोग आसानी से उस फाइल को हम ट्रांसफ़र कर पाएँ। डेटा कंप्रेशन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम समान प्रकार के डेटा को कम बिट्स में सुरक्षित रख सकते हैं और संचारित कर सकते हैं। भाई हमारे पास दो तीन क्या कर सकते हैं, हम लोग एक फाइल को बड़े साइज़ में, एक फाइल को उससे कम साइज़ में, उससे कम साइज़ में, तो सेम फाइल को हम अलग अलग साइज़ के फाइल बना करके सेव कर सकते हैं। डेटा को कंप्रेस करने के लिए फार्मूला तथा एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। तो जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर्स में फार्मूलाज होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं कि कौन से आधार पर फाइल को रिड्यूस करना है। तो ऐसे एल्गोरिथम और फार्मूलाज के आधार पर वो सॉफ्टवेयर्स जो हैं फाइल को रिड्यूस करता है, कंप्रेस करता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जब हम किसी भी गाने को डाउनलोड करते हैं, तो यही गाना अलग अलग साइज़ का होता है, 10 MB का, 5 MB का, 2.5 और 2.6 MB का, जिससे कि हम तेज गति से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई डाउनलोड करोगे ना तो ऑप्शन देता है 10 MB का वाला चाहिए कि 5 MB वाला चाहिए कि 2.6 MB वाला चाहिए। ज़्यादा फाइल है तो इसमें ज़्यादा साइज़ है तो उसकी क्वालिटी अलग होगी। तो आपको अगर मान के चलिए फास्टली डाउनलोड करना है, तो आप ऑब्वियस है आप ये वाले फाइल को डाउनलोड करेंगे। तो कंप्रेशन की वजह से ही हमें सेम फाइल जो है अलग अलग साइज़ों में मिलते हैं। अब डेटा कंप्रेशन दो प्रकार का होता है, एक लॉसलेस होता है, दूसरा होता है लॉसी। लॉसलेस में क्या होता है, हम जिस क्वालिटी के साथ में उसे रिकॉर्ड करते हैं हमको उसी क्वालिटी के साथ में मिलेगा। और लॉसी में क्या होता है, उसका जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाता है। देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल में इसे। लॉसलेस कंप्रेशन, वह कंप्रेशन जिसमें डेटा के आकार को इस तरह घटाया जाता है जिससे कि डेटा की हानि नहीं होती है, लॉसलेस कंप्रेशन कहलाता है। इसका मतलब ये है कि हम डीकंप्रेस्ड करके वापस डेटा के मूल साइज़ को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं किसी फाइल को यहाँ से कंप्रेस करके भेजूँ, है ना, मान लो मैं विनजिप सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ और उससे मैंने कंप्रेस किया, भेजा उसको, और आप जिनको रिसीव हुआ विनजिप से उसको डीकंप्रेस करेगा, तो उसको एज इट इज़ उसी क्वालिटी के साथ में वो यदि वो फाइल मिल जाता है बिना डेटा लॉस के, तो ये कहलाता है लॉसलेस कंप्रेशन। इस कंप्रेशन का प्रयोग ऐसे डॉक्यूमेंट्स में किया जाता है जो टेक्स्ट को रखे रहते हैं, टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी कंप्रेशन और डीकंप्रेशन के लिए ये लॉसलेस कंप्रेशन जो है काम में आता है। लॉसी कंप्रेशन, वह कंप्रेशन जिसमें डेटा की हानि होती है लॉसी कंप्रेशन कहलाता है, तथा हम दोबारा डीकंप्रेस करके उसको वापस नहीं कर सकते हैं, वापस पा नहीं सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें डेटा हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। इसमें कंप्रेशन का प्रयोग ज़्यादातर चित्र, ऑडियो एवं ग्राफिक्स में किया जाता है। तो जैसे कि मैं आपको व्हाट्सअप से यहाँ बढ़िया क्वालिटी का वीडियो रिकॉर्ड, अगर इसी वीडियो को मैं रिकॉर्ड करके व्हाट्सअप में भेजूँगा ना, आपको बिल्कुल उसका इमेज क्वालिटी, रिजोल्यूशन सब रिड्यूस हो जाता है। मान लो मैं 1 GB का फाइल है उसको व्हाट्सएप में भेजता हूँ, 17 MB का बना के भेज देता हूँ व्हाट्सएप में, तो भाई ऑब्वियस है साइज़ रिड्यूस हो रहा है, तो उसके जो ऑडियो क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी है, ग्राफिक्स क्वालिटी है, वो तो लॉस हो गई होगा। तो ये लॉसी कंप्रेशन होता है, और जनरली इमेज, ऑडियो और जो वीडियो फाइल्स होते हैं उसमें लॉसी कंप्रेशन ही होता है।
सो थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में हमने जाना डेटा कंप्रेशन होता क्या है और उसके टाइप्स। थैंक यू।